दोस्तों आज की कहानी बहुत जबरदस्त होने वाली है। फिल्म का नाम है तहान। तो आज जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उनको रिक्वेस्ट है हमारी इस मेहनत के लिए ईमानदारी से चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। तो शुरू में ही कहानी हमें एक होटल के कमरे में ले जाती है, जहाँ दो गर्ल्स दिखाई देते हैं। भाई साहब, इन दोनों का इंटीमेट सीन अभी अभी खत्म हो चुका है। इन दोनों में से एक लड़की एक बड़े कंपनी में बड़े पोस्ट पर है और दूसरी एक एस्कॉर्ट होती है जिसका नाम एलिस होता है। अब एलिस को अपनी सर्विस देने के लिए रुपए मिले हैं। अभी क्लाइंट को खुश करने के बाद एलिस एक बार में आती है। ये बार में एलिस का रोज का आना जाना रहता है। अब एलिस अपने फ्रेंड्स को शराब ट्रीट करती है और एक पेडलर से निशकी पूड़ी लेके अपने बैग में चुपचाप रख देती है। तभी उसकी नजर एक नौजवान पे जाती है जिसका नाम डेनिस होता है। डेनिस एलिस को बार बार देख रहा होता है। एलिस समझ जाती है, वो उसे मिलती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हम एलिस के फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें उसकी माँ पैसे के लिए एलिस को एक आदमी के साथ भेज रही है। अब सुबह हो गई है, हमें पता चलता है एलिसी अपना एक काम उसकी माँ के प्रेजेंस में भी उसके घर में भी कर रही है। हमें ये भी पता चलता है कि एलिसी की शादी हो चुकी है और ये बात इन दोनों ने एलिसी के पति से छुपाई है। एलिसी का पति अक्सर काम के सिलसिले में अक्सर महीनों महीनों घर के बाहर होता है। अब ऐसे ही दिन रातें जा रही है। एलिसी अपने क्लाइंट को घर पे लाती है। एलिसी अपनी माँ की बीमारी की झूठी कहानी अपने क्लाइंट को बताती है। क्लाइंट को इमोशनल बनाकर उसे ज्यादा रुपए निकाल लेती है। अभी एलिसी के फ्रेंड का फोन आता है। हम देखते हैं एलिसी एक बार में है जहाँ कुछ बॉयज डांस कर रहे हैं और इन बॉयज में से एलिसी और उसकी सहेली को किसी एक को चुनना है। तभी हम देखते हैं कि नील नाम का एक बॉय जो इस बार में स्पेशल और खास है, जो अभी अभी इस बार में ज्वाइन है, वो आ जाता है। और भाई साहब, एलिसी को नील पसंद आता है इसलिए उसकी सर्विस लेने के लिए वो उसके साथ चली जाती है और इंटीमेट हो जाती है। अब सुबह सुबह एलिसी घर पे आ जाती है। उसकी माँ उससे पैसे मांगती है। अभी उसकी माँ के पास कोई रुपए नहीं है, उसने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए हैं। इसलिए एलिसी अपनी माँ से तंग आकर झगड़ा करती है, अपना जिस्म बेचने का प्रोफेशन पर रोने लगती है और अपनी माँ को पैसे के लिए मना कर देती है। एलिसी को इस बात का भी गुस्सा है कि उसकी माँ ने उससे पैसे कमाने के लिए एक बूढ़े आदमी को बेचा था और इस गंदी लाइन में जबरन डाल दिया था। वो अपनी माँ को मकान छोड़ने के लिए कहती है और उसकी माँ ठीक वैसा ही करती है। अब एलिसी दुखी हो जाती है। अभी इस बात की खबर वो अपने फ्रेंड्स को भी देती है। कहानी के आगे हम देखते हैं कि जिम में एलिसी को उसका एक पुराना कॉलेज फ्रेंड बहुत सालों के बाद अचानक मिलता है जिसका नाम मार्कुस होता है और ये मार्कुस जिम मार्केटिंग के बिजनेस में होता है। असल में ये दोनों कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन किसी ने भी अपने पैर को एक्सप्रेस नहीं किया था। अभी मार्कुस इधर उधर की बातें करके एलिसी का मोबाइल नंबर लेता है और फिर मिलने का वादा करके वहां से निकल जाता है। यहाँ एलिसी की सहेली भी उसे कहती है, अब तुम्हें पुराना ट्रू लव मिला है तो उसे अपना लो। लेकिन यहाँ एलिसी को डर है अगर मार्कुस को उसके एस्कॉर्ट प्रोफेशन के बारे में पता चला तो, इसलिए वो थोड़ी डर रही है। एक दिन अचानक एलिसी का बॉयफ्रेंड लोपेज आ जाता है। उसे कहीं से तो पता चला है कि एलिसी उसी के घर में रात में अलग अलग क्लाइंट को घर में लाती है और वो क्लाइंट को सर्विस देके रुपए कमा रही है। इस बात से लोपेज बहुत गुस्सा हो जाता है। वो एलिसी का जबरन रेप करता है। एलिसी चीखती है, चिल्लाती है और तभी अचानक वहाँ एलिसी की माँ आ जाती है और लोपेज का खून कर देती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। अब दोनों मिलके खून के धब्बे निशान मिटाते हैं। लोपेज के कार को स्क्रैच करने के लिए गैराज में बेच देते हैं लेकिन अब एलिसी के रुपए खत्म हो रहे हैं और यहाँ गैरेज के मैकेनिक को कार में एलिसी का आईडी मिल जाता है। आगे एलिसी अपनी ये सारी कहानी अपने कॉलेज फ्रेंड को सुनाती है। उसे सुन के एलिसी का फ्रेंड टेंशन में आ जाता है। अब पूरे शहर में, पूरे स्टेट में पुलिस बिजनेसमैन लोपेज की खोज कर रही है। रेडियो पर उसके लापता होने की खबर भी बताई जा रही है। एक दिन सुबह सुबह गैराज का मैकेनिक एलिसी के माँ को मिलता है और बताता है पुलिस उसे गैराज में पूछताछ के लिए आई थी, किसी ने लोपेज के कार को स्क्रैच करने से पहले देख लिया था। ये सुनकर एलिसी की माँ टेंशन में आ जाती है। वो मैकेनिक को घर के अंदर ले जाती है। अब मैकेनिक पुलिस के सामने मुंह न खोलने के लिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है और भाई साहब, अब एलिसी की माँ मैकेनिक का भी मर्डर कर देती है। एलिसी भी मैकेनिक की मरी हुई बॉडी देख लेती है। अब कहानी बहुत डरावनी बन जाती है। अब तक दो मर्डर हो चुके हैं और कितने बाकी है पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी के आगे हम देखते हैं कि मार्कुस एलिस से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और सब सच बताता है कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना कोई किसी जिम में मार्केटिंग पार्टनर हूँ।
तू मुझे माफ कर दो। मार्कुस की ईमानदारी देखकर एलिसी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि एलिसी की माँ उसका पीछा कर रही है। अब एलिसी और उसका नया बॉयफ्रेंड का मिलना जुलना बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ एलिसी को माँ को लगता है कि मार्कुस एलिसी का क्लाइंट है। एलिसी अपनी माँ से कहती है कि मैं इस काम से तंग आ गई हूँ, जो कुछ हाथ से मर्डर हो गए है उसे मैं भूल नहीं पा रही हूँ, मुझे आम लोगों की तरह जॉब करना है। इस बात पर उसकी माँ एलिसी के ऊपर गुस्सा होती है। अब एलिसी को इस सारी घटना से नशे की लत लग जाती है। ऐसे एक रात एलिसी नील को अपने घर लाती है और घर लाने के बाद दोनों इंटीमेट हो जाती है। जब सुबह होती है तो वो देख लेती है कि उसकी माँ ने नील को मार डाला है। एलिसी की माँ उसे बताती है कि तुम्हारा एक क्लाइंट चोर था, देखो इसने तुम्हारे सारे रुपए चुरा लिए थे। आगे दोनों लाश को ठिकाने लगाने लग जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का ये तीसरा मर्डर होता है। हम देखते हैं कि माँ के गुनाह में जाने अनजाने एलिसी भी शामिल है और वो बहुत डरी हुई है। बेचारी इसी हालत में वो मार्कुस को फोन करती है, लेकिन मार्कुस को उसकी सिर्फ रोने की आवाज आती है। मार्कुस टेंशन में आ जाता है। अब एलिसी को अपनी माँ से दूर भागना है। उसकी माँ एक डरावनी कातिल बन चुकी है, लेकिन भागते भागते उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत पीटती है। यहाँ मार्कुस एलिसी के फ्रेंड को कॉल करता है और एलिसी शायद किसी खतरे में है ऐसा कहता है। अब उसे किसी भी हालत में एलिसी को मिलना है। वो उसे मिलने आता है, मकान के अंदर आता है, एलिसी को नाम से पुकारता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। और भाई साहब, अभी मार्कुस स्टेयरकेस पे खून के धब्बे देखता है और डर जाता है। अब मार्कुस आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे पीछे से कोई मारता है। आगे हम देखते हैं कि बेहोश मार्कुस धीरे धीरे होश में आ रहा है। वो देखता है बाजू में एलिसी रो रही है। मार्कुस देखता है कि उसके दोनों पैर रस्सी से बांधे हुए हैं। उसे पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। और भाई साहब, हम देखते हैं कि यहाँ तो सिर्फ एलिसी होती है, उसकी माँ का अता पता नहीं है। अब वो मार्कुस को भी चाकू से जख्मी कर देती है। हमें पता चलता है कि एलिसी को कोई मर्द पसंद नहीं है। जब से उसकी माँ ने उसे जबरन इस लाइन में डाला था, तब से मर्दों ने सिर्फ उसका शोषण किया था, किसी ने उसे प्यार नहीं किया था। उसे तो अब प्यार मिलने वाला है, वो भी मार्कुस से, लेकिन उसे पता है कि मार्कुस भी उसकी असलियत जान के उसे छोड़ देगा। बचपन में इसी लाइन की घृणा से एलिसी ने अपनी माँ का भी मर्डर किया था। असल में एलिसी मेंटली बीमार है और सारे मर्दों को एक एक करके वो मार रही है। अब की बारी मार्कुस की है। तभी एलिसी की सहेली आकर मार्कुस को बचा लेती है, लेकिन यहाँ एलिसी दोनों के ऊपर हमला कर देती है। तभी मार्कुस किसी औजार से एलिसी के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें एलिसी बेहोश हो जाती है। अब कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ एक डॉक्टर मार्कुस को और एलिसी की सहेली को बताता है असल में एलिसी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एलिसी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हुआ था, जिससे उसकी माँ की पर्सनैलिटी उसमें आ गई है। आज तक उसे पता नहीं है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी माँ को अगल बगल महसूस कर रही है, देख रही है। दोस्तों, हम जान चुके हैं कि एलिसी इस हॉस्पिटल की डेंजरस पेशेंट है। हम एलिसी को देखते हैं, जो लगातार किसी और देख रही है, और ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई तो ईमानदारी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।